सो दोस्तों, फाइनली गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल प्रेजेंटेशन जो है वो ऑनलाइन हो गया है और ये एक शॉर्ट मूवी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना। वेयरवुल्फ बाय नाइट की तरह ही है और स्टार्टिंग इसका मुझे काफी ऑसम लगा, जो कि कार्टूनिस्ट वे में स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग में स्टोरी में बता दिया गया है कि कैसे योंडू ने क्रिसमस बर्बाद किया है पीटर कोइल का। वैसे वो क्लेरिफाई कर देता है एंड में कि योंडू ने ही जो दो गन्स होते हैं उसके हाथ में, वो योंडू ने ही दिए होते हैं। और यहाँ पे ये भी क्लेरिफाई कर दिया जाता है कि जो मेंटिस है वो सिस्टर होती है पीटर कोइल की, क्योंकि उसका जो फादर होता है मतलब क्रिएटर होता है मेंटिस का, वो एगो द लिविंग ही होता है। और मुझे स्पेशली इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में जो सॉन्ग है क्रिसमस का वो पसंद आया कि तो ये काफी अमेजिंग सॉन्ग था। मैं जब इसको सुन रहा था तो मैंने रिकॉर्ड किया एक्चुअली, वैसे डाउनलोड करके मैंने उसका जो ऑडियो है वो अलग से रखा है सेव करके, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे वो गाना। और इसमें ड्रैक्स और मेंटिस की जो केमिस्ट्री दिखाई है वो भी काफी अच्छी है भाई, इन दोनों ने सही में फाड़ दिया है काफी। और मुझे इसमें इनका जो छोटा सा मोन्टाज है अर्थ पे वो अच्छा लगा कि कैसे वो केविन बेकन को उठाने के लिए आते हैं एज अ गिफ्ट फॉर पीटर, तो वो भी काफी अमेजिंग था। और कैसे उनको स्ट्रगल करता हुआ दिखाया अर्थ पे जब वो आते हैं, पर काफी मस्ती मजाक भी करते हैं, पार्टी वाले सीन्स हमें देखने के लिए मिले, मेंटिस कैसे डांस करती है। और मुझे सबसे वेयर्ड लगा कि भाई इतना आसान है क्या पैसा कमाना, वहाँ मेंटिस के हाथ में दना दन पैसे आ रहे थे, तो वो देख के थोड़ा अजीब लगा। पर हाँ, मेंटिस काफी अच्छा खासा पैसा जमा कर लेती है। और मुझे ये टच भी इनका काफी पसंद आया इन्फिनिटी वॉर का, कि कैसे वो डांस कर करके पूरे वर्ल्ड को बच जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और अच्छी लगी कि वो शॉक हो गए थे कि भाई ये एक्टर है, तो ये काफी अच्छा टच लगा। तो इस मूवी में काफी आपको ईस्टर एग्स भी देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे रेफरेंसेस है यार। और सबसे ज्यादा तो मजा आया मुझे कि वो बैटमैन वाला जो इन्होंने बताया ना कि मैं बैटमैन हूँ, वो मुझे काफी पसंद आया। ऐसा लगा कि भाई क्रॉसओवर हो सकता है एमसी और डीसी के बीच में, काफी क्रेजी हो गया था देखा जाए तो। और इसमें मुझे एक और चीज काफी पसंद आई कि भाई इन्होंने जो इन्फिनिटी वॉर का रेफरेंस दिखाया है यहाँ पे, कि आपको याद होगा कि स्टॉर्म ब्रेकर को जब वो लेने जाते हैं थॉर, रॉकेट और ग्रूट, तो वहां से जब वापस आते हैं वकांडा में, तो वहाँ पे रॉकेट बकी से मिलता है और बोलता है कि तेरी ये बंदूक कितने में देगा? औकात में रह। अच्छा तो फिर ये हाथ मुझे दे दे, अबे शादी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। तो वो जो रेफरेंस यहाँ पे दिखाया भाई, नेबुला उसको एग्जैक्टली जो गिफ्ट देती है वो बकी का हाथ ला के दे देती है, और लिटरली मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस समय। तो ये टच मुझे बहुत बेहतरीन लगा, मतलब मजा आ गया देख के। और इसमें एक और गिफ्ट दिया जाता है ग्रूट को, वीडियो गेम, वो देख के तो सही में बचपन याद आ जाता है कि जब अगर कोई आपको वीडियो गेम गिफ्ट करता है तो कैसी खुशी होती है, तो वो अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल देखा जाए तो नेबुला का जो कैरेक्टर है वो कम अपीयर हुआ है, और मैं स्पेशली ये जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है वो कैरन गिलन की वजह से देख रहा था, क्योंकि भाई दिल के करीब है, तो नेबुला का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा इसमें दिखाया नहीं। ऊपर से गमोरा का भी कोई अपीयरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिला इसमें, ऑल्दो नाम उसका इस्तेमाल होता है पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। पर हमें ग्रूट की जो फिजिक्स है वो काफी नई देखने के लिए मिली, ऐसा लगा कि प्रैक्टिकल सूट वहां पे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो एनिमेशन था वो काफी नेचुरल लग रहा था, तो ये काफी अमेजिंग लगा। और ग्रूट इसमें बड़ा दिख रहा था, मसल मैन दिख रहा था, तो शायद हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में सेम ग्रूट देखने के लिए मिलेगा। और ओवरऑल मुझे ये जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है काफी पसंद आया, वेयरवुल्फ बाय नाइट का भी अच्छा था और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल का भी काफी अच्छा है। तो मुझे आप लोगों के ओपिनियंस जानने की, आपको कैसा लगा ये? अच्छा लगा तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, अगर कुछ कमी लगी तो वो भी कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ। सो दैट्स बीन सेड, मैं इस वीडियो को यहीं रैप करता हूँ और मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑसम।